विजय दे कोलों चिट्ठी भी है जो विरसा सिंह बलटोहा दे वलों माफीनामे दे तौर दे उत्ते दित्ती गई है श्री अकाल तख्त साहब दे विच। विजयपाल ओवर टू यू। गौरव बिल्कुल, क्योंकि उस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, विरसा सिंह बलटोहा ने बाहर आके कहा कि मैं स्पष्टीकरण देखे हैं, पर असल दे विच स्पष्टीकरण नहीं, वो एक माफीनामा है, उसकी कॉपी साढ़े को और बकायदा उस दे विच दो वारी लिखा गया कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता जो कुछ भी किया गया है। सो इसकी जिहड़ी इबारत है गौरव, चिट्ठी जो जो उस दे विच लिखा गया बणतर की है, वो असी अपने दर्शकों नूं पढ़ के दसदे हां कि इस दे विच विरसा सिंह बलटोहा ने लिखा है कि आप जी के आदेश मुताबक मैं अज सिंह साहिबान अगे हाजिर होया हाँ, मैं आप जी के सामने अपना स्पष्टीकरण भी पेश कर दिता है, पर मैं महसूस करता हाँ कि जो ये प्रभाव दिता जा रहा है या जो ये प्रभाव लिया जा रहा है, मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब संबंधी चल रहे मसले को लैके कोई किंतु किया है या सवाल उठाए ने तो अजिहा करन लई मैं आप जी वर्गी निर्मल गुरमुख शख्सियत बारे कदे सोच भी नहीं सकता। अगे लिखा गया कि मैं किसी भी जथेदार साहबान का जाति तौर पर बतौर एक निमाणा सिख निरादर करन बारे सोच भी नहीं सकता। मीडिया च प्रिंट हुई खबरां या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च मेरे शब्दों नाल आप जी नूं ठेस पहुंची होवे तो उस संबंधी मैं माफ़ी मांगदा हाँ। एक सच्चा तख्त हमेशा ही निर्भय होकर कौम की अगवाई करे, मैं ही अरदास करता हाँ। आप जी की सूझवानता ते परपक्ता उत्ते मेरे वर्गे सिख नूं माण है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हाँ कि मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बारे मीडिया च उन्हां दी शख्सियत बारे ते अगवाई बारे खास करके चलंत मसले बारे कोई इतराज़ या सवाल खड़ा नहीं किया है, ना ही मैं अजिहा सोच सकता हाँ। पर जो कुछ मीडिया च बयान कर दिया मैथों जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बारे फलोच बोलदिया होया कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बारे शब्द वरते गए, मैं उसकी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगदा। यानी उन्होंने जो बीजेपी RSS का जिक्र किया उसनों सीधे रूप दे विच इस चिट्ठी या इस माफ़ीनामे लिखे। अगे विरसा सिंह बलटोहा ने लिखा कि गुरु का सिख भुलनहार है, गुरु पंथ बख्शिंद है, मैं आप जी नूं विश्वास दवांदा हाँ कि भविख च मेरे कोलों तख्त साहबाना दे जथेदार साहबाना बारे या उन्होंने सत्कार विच मर्यादा अनुसार रोल निभाया जाएगा। मैं इस वर्तारे दी सारे जथेदार साहबान अते सिंह साहबाना तो माफ़ी मंगदा हाँ विरसा सिंह बलटोहा। सो गौरव, ये चिट्ठी जिहड़ी है ये माफ़ीनामा जिहड़ा है अज विरसा सिंह बलटोहा वल्लों दिता गया है। और जिहड़ी गल जे आपां ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सुणीए, क्योंकि जथेदार रघबीर सिंह जिहड़े ने ज्ञानी रघबीर सिंह उन्होंने मोटी मोटी गल कही जो मीटिंग दे विच अंदर होया या जो उन्हां वल्लों फैसला लिया गया, पर जिहड़ा विरसा सिंह बलटोहा ने पेन ड्राइव दित्ती आ उस दे विच एक एक इंस्टांस का जिक्र किया, उस इंस्टांस बारे स्पष्टीकरण ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों दिता गया। वह थोड़ी देर दे विच आपां पूरा डिटेल दे विच दर्शकों नूं सुनावांगे भी एक एक गल दा, चाहे वह गौरव सिक्योरिटी नाल रिलेटिड गल होवे, चाहे वह राघव चड्ढा दे विआह च शामिल होण नूं गल होवे, चाहे वह किसी होर लीडर दे नाल मुलाकात नूं लैके गल होवे। सो सारिया गल्लां जिन्हां दा जिक्र विरसा सिंह बलटोहा ने पेन ड्राइव दे विच कीता है उन्हां गल्लां बारे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने स्पष्टीकरण भी दिता है। और एक गल होर गौरव कि अज उन्हां नूं सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सुखबीर सिंह बादल होरां बारे भी किया गया सी, तां सुखबीर सिंह बादल होरां बारे उन्होंने ये कहा कि असी हाले जिहड़े सिख बुद्धिजीवी ने या सिख विद्वान ने पहला उन्हां दे नाल मीटिंग करांगे, फिर जिहड़ियां वख-वख संपर्दावां ने बहुत सारिया संपर्दावां ने गौरव पंजाब दे विच बहुत जिहड़े उगियां शख्सियतां ने उन्हां संपर्दावां दी अगवाई करदियां ने, सो उन्हां दे नाल भी पंज सिख साहिबाना वल्लों मीटिंगां कीतियां जाणियां ने। और फिर उन्हां कहा कि असीं उन्हां तों सलाह लवांगे सारिआं तों कि असीं इस ते अगे की फैसला लै सकदे हां। सुखबीर सिंह बादल होरां बारे ये भी जिक्र किया गया और ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि वार बार जिहड़ियां ये गल्लां कहीआं जा रहीआं ने कि छेती फैसला लो, फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, इन्हां गल्लां दी कोई तुक नहीं बनदी। सो आपां कह सकते हैं कि काफ़ी सख्त लहजे दे विच अज जथेदार अकाल तख्त साहब या जिहड़े बाकी सिंह साहिबान ने उन्हां वल्लों काफ़ी सख्त फैसला और सख्त लहजे दे विच इसनूं लिया गया। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सख्त लहजा तो साफ तौर के उत्ते नजर आया। विजय मैं तुहाडे कोल वापस रुक करदे हां, इस विचाले साडी सहयोगी मेरे नाल स्टूडियो दे विच भी जुड़ रहे हैं रणबीर राणा, उन्होंने भी गलबात करांगे। दरअसल इतने पूरे मामले के एक चीज़ तो जरूर है कि हुण कितना बदल बाकी है। रणबीर जे आप जिक्र करिए कि श्रोमी अकाली दल के प्रधान जिहड़े मौजूदा समय के कार्यकारी प्रधान
अकाल तख्त साहब के आदेशों तो बाद उन्होंने कोई बदलता ज्यादा नहीं है, बलटोहा एक बड़ा लीडर ने पर आदेश तो बाद कढ़ना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि सिख कौम की जिहड़ी सर्वोच्च अदालत है वह श्री अकाल तख्त साहब है, तो उस फैसले से ना तो कदे किंतु परंतु हो सकता है, ना उस पर कोई दोबारा कोई अपील दलील हो सकती है। इस करके सीधा सीधा गौरव के जिहड़ा फैसला सुना दिता गया वो आदेश है, तो वह आदेश मनना ही पवेगा। 24 घंटे की हुणी थोड़ी देर तक तुसी देखोगे कि बलविंदर सिंह भुंदड़ जिहड़े ने वह विरसा सिंह बलटोहा नूं बाहर करते हुए जिहड़ा प्रेस नोट जां जिवें भी उन्हां दे वल्लों अधिकारी तौर पर पुष्टि कर दी जाएगी। पर इस फैसले ने बहुत चौंकाया भी है, क्योंकि यह फैसला जिहड़ा इस वेले हालांकि क्योंकि पोलीटिकल पार्टी दे विच ने विरसा सिंह बलटोहा अकाली दल दे विच ने, ते पर उन्हां ते जिहड़े इल्जाम लगे वह जथेदार साहिबान नूं लैके लगे कि उन्होंने इल्जाम लाया कि जथेदार साहब बीजेपी के दबाव च, RSS के दबाव च, केंद्र सरकार के दबाव च, ये सारिया चीज़ा क्योंकि हालांकि यह पोलीटिकल पार्टी के विच सी पर क्योंकि जुड़िया जथेदार साहबान नाल होया सीगा, इस करके इस दौरान जिहड़ा यह फैसला आया विरसा सिंह बलटोहा के खिलाफ बहुत वड्डा फैसला भी है पर पोलीटिकली भी है, क्योंकि बहुत बार जिहड़े इस तरह के फैसले होंदे ने ओह धार्मिक सज़ा के तौर पर होंदे ने, तनखाइया करार देण ते होंदे ने, पंथ चों छेकण दे लई होंदे ने, पर यह पहली बार मैं लगता है इस तरह का इतिहास होगा कि पोलीटिकल पार्टी तो बाहर करने लिए जथेदार साहबान कह, मतलब मैं यह भी लग रहा है जो पहले विजय भी जिक्र कर रहे थे, एक चीज तो क्लीयर हो गई क्योंकि हूं तक बहुत चर्चावां सी, आपां भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि पोलीटिकल तौर के उत्ते कि जथेदार साहब जाके कोई डिसीजन देंगे ने, खास तौर पर प्रधानगी लैके सुखबीर सिंह बादल लैके बहुत सारिया चर्चावान चलिया कि उन्होंने उत्ते इलैक्शन लड़न लैके रोक लगाई जा सकती है, पर एक धेरे गल कहती रही कि नहीं पोलीटिकल तौर के उत्ते जाके आदेश क्यों देंगे कि वह तो धार्मिक सजा ही लगाएंगे। तो बलटोहा के उत्ते दिए गए आदेश ने क्लीयर कर दिता कि आने वाले दिनों के कोई होर हार्ड डिसीजन भी नजर आ सकता है। ये बहुत वड्डा तुसी पॉइंट जिहड़ा रख रहे हो, क्योंकि राह भी पदरा हो गया एक तरह, क्योंकि जिहड़ा पहला इस तरह का फैसला तवक्को नहीं किया जा रहा सीगा कि किसी पोलीटिकल पार्टी दे विच बंदा होवे ते उसनू बाहर करने लिए प्रधान नू कहा जावे, कार्यकारी प्रधान नू जिवें बलविंदर सिंह भुंदड़ नू कहा गया, तो हुण जिहड़ी अगवाई है राजसी तौर पर सुखबीर सिंह बादल जिहड़े अकाली दल दी कर रहे ने जां हाले तनखाइया करार दित्ते होए ने कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ नू लाया गया, तो उस संदर्भ दे विच भी जो तुसी इहनू देखदे हो तो अजिहा फैसला आ सकता है कि जिस दे विच सुखबीर सिंह बादल बारे भी अजिहा फैसला आ सकता है, क्योंकि यह नहीं है कि पहला जिहड़ी गल कर रहे सी कि अधिकार खेतर नहीं है अकाल तख्त साहिब दा कि किसी पोलीटिकल पार्टी के आगू खिलाफ अजिहा फैसला लेना, क्योंकि हुण विरसा सिंह बलटोहा खिलाफ भी अजिहा ही फैसला सीधे तौर पर पोलीटिकल पार्टी के विचों उन्होंने बाहर कढ़ना, तो 10 साल लिए भी कह दिता कि दोबारा वापसी भी ना हो, क्योंकि तुसी सुचा सिंह लंगाह दे केस दे विच देखिया कि सुचा सिंह लंगाह नूं पहला बाहर कर दिता गया, बाद दे विच हुण पार्टी दे विच हाल ही दे विच दुबारा वापस लिया गया। दो तस्वीरां भी असीं अपने दर्शकां तक पहुंचा रहे हैं, मैं अपनी गलबात नूं अगे जारी रखांगा, पर यह बहुत वड्डी खबर है इस समय पोलीटिकल तौर दे उत्ते इसनूं सिर्फ विरसा सिंह बलटोहा तक सीमित रखा जावे नहीं है कि वाकई ही कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट या इस तरीके का आदेश सुखबीर सिंह बादल दे लई भी अकाल तख्त साहब दे जथेदारां दे वल्लों अनाउंस किया जा सकता है। हालांकि अजे फैसला आना बाकी है, उस तो पहला कई मीटिंग्स हो गई, उस तो पहला जिवें पहला ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने ऐलान कर दिता या बयान दिता है कि जिहड़ियां वख-वख जथेबंदियां ने या संप्रदावां ने उन्हां दी मीटिंग सद्दी जाएगी, जिहड़े होर बुद्धिजीवी ने उन्हां दी मीटिंग सद्दी जाएगी, इनफैक्ट जिहड़े साबका जथेदार रहे ने उन्हां दे नाल भी गलबात करने की कोशिश होएगी, उस तो बाद कोई डिसीजन लिया जा सकदा है, क्योंकि जिहड़ी देरी दी गल वार-वार हो रही है कि आखिर 1.5 महीने दा समां हो गया, विरसा सिंह बलटोहा ने इस ते सवाल चुके जां चर्चावां जिहड़ियां चल रहियां सीगियां जिस ते हुण तुसीं प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा होरां नाल भी गल कर रहे सी, पर जिवें जथेदार साहब ने कहा कि संप्रदावां दे मुखियां नाल गल होएगी, जथेबंदियां दे नाल गल होएगी, सिख बुद्धिजीवी नाल गल होएगी, क्योंकि बहुत जो ये प्रक्रिया चली आ रही है जिहड़ी सुखबीर सिंह बादल दी गल है 2007 तों 17 तक दा मसला हैगा, बहुत लंबा अरसा भी है, दहाका है एक कह लईए, बहुत सारियां जिहड़ियां गलतियां भी ने जिन्हां नूं स्वीकारिया भी है सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों, तां इह सारियां चीज़ां ने जिस दे विच हुण सुखबीर सिंह बादल बारे की फैसला लैंदे ने, पंज सिंह साहिबान श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों की फैसला लिया जांदा इह देखणा होएगा, पर विरसा सिंह बलटोहा जिन्हां खिलाफ इह बहुत वड्डा फैसला श्री अकाल तख्त साहिब तों सामने आया है, सिंह साहिबान ने कहा है कि मर्यादा नूं ठेस पहुंचाई है श्री अकाल तख्त साहिब, सर्व उच्च अकाल तख्त साहिब सिख कौम दा, जिस दे उत्ते सवाल चुके गए विरसा सिंह बलटोहा दे वल्लों। विरसा सिंह बलटोहा ने दो बार अजिहा कीता, पहला उन्होंने कहा कि मेरे वलवले ने कि सुखबीर सिंह बादल दे मामले दे विच देरी हो रही है, तनखाइया तक करार दे दिता गया पर सज़ा
कदों होएगी ये उन्होंने लिखा अपनी फेसबुक वॉल के उत्तों सोशल मीडिया के उत्ते। जिस तो बाद दोबारा तो विरसा सिंह बटोहा ने एक होर पोस्ट पाई जिस दे विच उन्हें कहा कि उन्होंने पता लग्या कि जथेदार साहबान ते बीजेपी का आर एस एस का केंद्र सरकार का दबा है कि सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ राजसी तौर पर फैसला लिया जाए कि राजसी अगवाई सुखबीर सिंह बादल ना कर सकन जिस दा श्री अकाल तख्त साहब दे वल्लों करड़ा नोटिस लिया गया अते सुखबीर सिंह बादल बारे जो विरसा सिंह बटोहा ने कहा कि जथेदार साहब ते दबाए उस मामले दे विच विरसा सिंह बटोहा नूं तलब कीता। विरसा सिंह बटोहा अज श्री अकाल तख्त साहब विखे पेश होए।